टुडे आई एम गोइंग टू लेट यू एक्सप्लोर अराउंड फैक्स एंड मिसकनसेप्शन जुडिशियल ऑन अगनिंग नोट वट एवर एल एक्सप्लेन तो उनसे जुड़ी टर्मिनोलॉजिस्ट से स्टूडियस बच्चे तो काफी हद तक फेमिलियर होंगे ही बट आई टेक केयर अबाउट दोज पर्सन टू जिनके लिए सारी चीजें नही है तो एज फार एज पॉसिबल मेरी कोशिश रहेगी कि एक फ्रेंडली इंटरफेस बना रहे ताकि नॉन बैकग्राउंड वाले लोग भी टॉपिक से कोर्डिनेट कर पाए और चीजें बोरिंग भी न बने क्योंकि ये बातें काफी हद तक इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जस्टिस हरिलाल जे किशन दास कानिया अब ये जुडिशियल ट्रांजिशन की वो कड़ी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश होने के पहले भी बॉम्बे कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस सर्विस दिया एंड आफ्टर इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई तब इंडिया के फर्स्ट सीजीआई बने अब खास बात यह है कि अभी तक के पहले और एकमात्र ऐसे सीजीआई हैं जिनकी मृत्यु उनके सर्विस पीरियड में ही हुई है

अभी 27 जज जज हैं, हैं जिसमें एकमात्र पार्टिसिपेंट बची बतौर में आज तक किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीच नहीं किया गया है सुलझे शब्दों में इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का मतलब होता है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के एसोसिएशन से सीजीआई का सस्पेंशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर जिसका मेंशन है आर्टिकल 124 के फोर्थ क्लॉज में ऑन 20th अप्रैल 2018 45th सीजीआई दीपक मिश्रा के सेशन में सेवन अपोजिशन पार्टीज ने एक पिटिशन सबमिट किया था सीकिंग इम्पीचमेंट ऑफ दीपक मिश्रा टू द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू लेटर ऑन वाइस प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया इन सेफ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी

बट मे बी गवर्नमेंट मे नॉट एक्सेप्ट द क्योंकि उन्होंने कन्वेंशन किया है हाँ, दत्तू के केस में भी ऐसा पहले हो चुका है पर तब उनके साथ यह कंपलसन भी था क्योंकि उस समय एन जे ए से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को डिफाइन किया जा रहा था इन नाइनटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो कि एक एक्ट था टू रिप्लेस कॉलेजियम सिस्टम बाद में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर स्ट्रक डाउन भी किया गया क्योंकि लेजिस्लेचर से जुडिशरी का अटैचमेंट ऑपेक् रखना है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए फाइव का एक्सपीरियंस एज ए कोर्ट जज और टेन इयर्स एज एन एडवोकेट होना क्राइटेरिया तो है ही लेकिन संविधान में इसका एक और प्रावधान है जिसमें कोई भी लॉ प्रोफेसर और एनी अकेडमिशियन प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन पे सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है इवन दो उसने लॉ प्रैक्टिस भी ना की हो बट अभी तक के हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है। अप्रैल, जो कि फॉर्मर ऑफिशियली हिज हिज पोस्ट एंड ही सक्सेसर। on the 6th April, रमना को इंडिया का किया गया था और ट्वेंटी फोर्थ अप्रिल को इन्होंने भी किया राष्ट्रपति भवन में वैसे जस्टिस एनवी रमना का जो टेन्योर है 16 Making it the longest TENURE to BE SERVED BY A बिव IN NEARLY A DECADE। इन्होंने अपना करियर बतौर जर्नलिस्ट इनिशिएट किया था इनके एक्सपर्टीज भी काफी ज्यादा वाइड हैं और इन्होंने अपने लाइफ में अब तक के करियर में काफी अच्छे लैंडमार्क वर्डिक्स भी दिए हैं